हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड सोशल साइंस। हियर आई एम विद यू, क्लास 11 टॉपिक थ्री ऑर्डर्स। और कल मैंने आप लोगों को, मतलब लास्ट लेक्चर में जो बताया था मैंने आप लोगों को, आई टोल्ड यू अबाउट टिल मेनोरियल स्टेट्स। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द नाइट्स। देखिए, सिस्टम जो यूरोपियन कंट्रीज में था फ्यूडलिज्म का, वही सिस्टम हमारी कंट्री में भी था जमींदारी सिस्टम का। कास्ट सिस्टम जो वहां था वही कास्ट सिस्टम हमारी कंट्री में भी था। वहां थ्री टाइप्स में सोसाइटी डिवाइडेड थी, थ्री ऑर्डर्स में, और हमारी कंट्री में इट वॉज डिवाइडेड इंटू फोर। ओनली दिस इज द डिफरेंस, दैट्स ऑल। फ्रॉम द नाइन्थ सेंचुरी देयर वर फ्रीक्वेंट लोकलाइज वॉर थे यूरोप में, एंड पीजेंट सोल्जर्स जो थे दे वर नॉट सफिशियंट। पीजेंट सोल्जर मतलब, मैंने आपको अपने लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, और मैं उसका लिंक अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। आई जस्ट टोल्ड यू दैट अबाउट कि ऐसे वो पीजेंट्स को सोल्जर्स की फॉर्म में भी काम लेते थे उनसे। अब क्योंकि वॉर होने लगे थे और कैवेलरी वॉज नीडेड, तो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ अ न्यू सेक्शन ऑफ पीपल कॉल्ड नाइट्स, मतलब ये पीजेंट जो थे वो ट्रेन नहीं थे, उनको ट्रेन होने के लिए अलग से एक ग्रुप ऑफ पीपल दे वर ट्रेन फॉर दैट, और उन्हें कहा जाता था नाइट्स, कहा जाता था उनको। स्टूडेंट्स दे वर कॉल्ड एज नाइट्स, जैसे हमारी कंट्री में जैसे सेना होती है, इट इज लाइक दैट ओनली। अब ये जो पीजेंट सोल्जर्स थे जिनको नाइट्स कहा जाता था, इनके बारे में आप इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। दे वर लिंक्ड टू द लॉर्ड जस्ट एज द लेटर वर लिंक्ड टू द किंग। देखिए, लॉर्ड और किंग में क्या डिफरेंस है, मैंने अपनी कल की वीडियो में भी बताया था और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। किंग जो बहुत बड़े एरिए का राजा है, और कल मैंने आपको बताया था जो कल के चैप्टर में कि जो लॉर्ड है उसको किंग ने एक सर्टिफिकेट के थ्रू एक छोटा एरिया दे दिया। आप जय अकबर के चैप्टर में अगर आपको याद हो, मनसबदारी सिस्टम, इट इज रिलेटेड टू दैट। सो दे वर लिंक टू द लॉर्ड जस्ट एज द लेटर वर लिंक टू द किंग। जैसे राजा के साथ लॉर्ड रिलेटेड था, ऐसे ही ये किंग के साथ, लॉर्ड के साथ ये नाइट जो है वो रिलेटेड थे। अभी मैं आपको फ्लो चार्ट फॉर्म में भी इसको समझा दूंगी। दे वर लिंक टू द लॉर्ड जस्ट एज द लेटर वर लिंक टू द किंग। लॉर्ड जो है ही यूज्ड टू गिव द नाइट अ पीस ऑफ लैंड, फ्लेफ कहते थे, और वो एक पीस ऑफ लैंड जो है वो उनको दे दी जाती थी। ये देखिए, ये मैं आपके लिए अंडरलाइन कर रही हूँ, एंड पीस ऑफ लैंड उनको दे दी जाती थी। और ये देखिए, दोबारा मैं बता रही हूँ आपको कि क्या रीजन था, ये नाइट्स एक ये अलग से क्लास डेवलप क्यों हुई थी। ये क्लास इसीलिए डेवलप हुई थी स्टूडेंट्स, बिकॉज ये क्लास जो है ये पीजेंट सोल्जर दे वर नॉट सफिशियंट, दे वर एमेच्योर, मींस दे वर नॉट ट्रेन्ड एक्चुअली। तो उनके ये वॉर होने लगे थे, गुड कैवेलरी वॉज नीडेड, दैट इज वाई ये एक नाइट्स की एक वो आई थी। और मैं जैसे आपको बता रही थी कि मैं आपको अभी ये एक फ्लो चार्ट फॉर्म में मैं आपको बना के देती हूँ इसको, तो आप देखिए, मैं अभी आपको ये फ्लो चार्ट, देखिए किंग वॉज रिलेटेड टू किंग, किंग के बाद आ जाते हैं नाइट, लॉर्ड। लॉर्ड मतलब जैसे हमारी कंट्री में आप कह लीजिए छोटे राज्य के जो किंग होते हैं वो लॉर्ड्स, लॉर्ड के बाद आ जाती है ये एक लेवल जिसे कहते हैं नाइट्स। नाउ अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक फ्रॉम हियर, अब इट एक्सटेंडेड टू एनीथिंग बिटवीन 1000, मतलब उनकी जो जमीनों का जो एरिया था वो 1000 से 2000 हेक्टेयर। उनके पास एक घर होता था, चर्च, अदर एस्टेब्लिशमेंट, ये सारी चीजें, वाइन प्रेस, जैसे लॉर्ड के पास होता था, थोड़ा सा छोटा। एज इन फ्यूडल लॉर्ड, लैंड ऑफ द फ्लेफ वॉज कल्टिवेटेड बाय पीजेंट, ये सारे उनके फीचर्स हैं। इसे स्टूडेंट्स आप मान के चलिए, दीज आर द फीचर्स ऑफ, मैं अभी ये पैराग्राफ समझा के आपको दोबारा से एक बार इसका हेडिंग बता दूंगी। एंड जैसे फ्यूडल मैनोर थे, द लैंड ऑफ फ्लेफ वॉज कल्टिवेटेड बाय पीजेंट, एंड इन एक्सचेंज नाइट उन्हें पे करता था, पेड हिज लॉर्ड अ रेगुलर फी। नाइट उन्हें एक फीस पे करते थे और प्रॉमिस करते थे कि जब भी वॉर में जरूरत होगी, जिसे हम कहते हैं ना स्टैंडिंग आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी मीन्स आप
जैसे अपने बॉर्डर पे हमारी जो आर्मी होती है वो स्टैंडिंग आर्मी होती है, डे और नाइट ये स्टैंडिंग आर्मी, ऐसे ही स्टैंडिंग आर्मी रेगुलर फीस ये सब जो है वो उनको प्रॉमिस करी जाती थी, एंड जब भी जरूरत होगी राजा को तो ये प्रोवाइड करेंगे टू कीप अप देयर स्किल। नाइट्स जो हैं वो प्रैक्टिस करते थे अपने टैक्टिक्स डमीज के साथ, आपने देखा होगा ना आर्मी के लोग शूटिंग करते हैं डमीज साथ में रख लेते हैं, वो तो डमीज के साथ वो प्रैक्टिस किया करते थे। एंड अ नाइट माइट सर्व मोर देन वन लॉर्ड बट हिज फॉरमोस्ट लॉयलिटी वॉज टू हिज ओनली वन ओन लॉर्ड ओनली। आप देखिए अब इसका क्या मतलब है कि एक नाइट एक लॉर्ड के साथ भी अलावा और भी लॉर्ड के साथ काम कर सकता था, पर उसकी लॉयलिटी जो है वो मेन लॉर्ड जिसने उसको एक पीस ऑफ लैंड फ्लेफ दिया है, ओनली ही वॉज एसोसिएटेड विद देम ओनली। सो स्टूडेंट्स ये पैराग्राफ में मैं आपको एक बार और बता दूं क्या जरूरत थी नाइट्स की, देन ये सारे फीचर्स हैं, एक एक फुल स्टॉप आप समझ लीजिए कि उनके फीचर्स हैं और उनको राजा क्या देता था, और ये मैंने आपको फ्लो चार्ट जो है वो बना दिया है, बना के दिखा दिया है। और ये एक अलग से फीचर था नाइट का कि वो एक से ज्यादा लॉर्ड को सर्व तो कर सकता था पर लॉयलिटी उसकी, मतलब अगर आर्मी की जरूरत हुई दोनों लॉर्ड्स को तो वो जो मेन लॉर्ड है उसका उसको आर्मी सप्लाई करेगा। नाउ इन फ्रांस फ्रॉम द 12th सेंचुरी मिनिस्ट्रल्स ट्रेवल फ्रॉम मेनोर टू मेनोर, सॉन्ग गाते थे, स्टोरीज सुनाते थे, हिस्टोरिकल पार्शली इन्वेंटेड अबाउट ब्रेव किंग्स। अब मिनिस्ट्रल्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह फ्रॉम मेनोर टू मेनोर, इसको आप ऐसा ले सकते हो, मैं देखिए आपको इंडिया के साथ कोरिलेट करके इसलिए बताती हूँ सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे हम कवि राजा के दरबार में कवि होते थे ना जो उसकी तारीफ में गाते थे, तो ऐसे ही ये मिनिस्ट्रल जो हैं ये मेनोर टू मेनोर जाते थे, सॉन्ग्स गाते थे, स्टोरी सुनाते थे, हिस्टोरिकल भी अपने बनाई हुई भी, ब्रेव किंग्स के बारे में कॉन्कॉक्टेड भी होती थी, मतलब कॉन्कॉक्टेड मतलब ओरिजिनल स्टोरीज नहीं होती थी नाइट्स के बारे में। एंड इन एन एज व्हेन टू मेनी पीपल कुड रीड, नॉट टू मेनी पीपल कुड रीड मैन्युस्क्रिप्ट्स, दीज ट्रेवलिंग बर्ड्स दे वर वेरी पॉपुलर, मतलब ये जो ट्रेवलिंग लोग थे ये बहुत पॉपुलर थे, मतलब उस समय आप देखिए ये बात उनकी हो रही है कि जब उस टाइम की हो रही है जब ज्यादा टेक्नोलॉजी तो डेवलप हुई नहीं थी, लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो ये फ्रांस की ही बात है, नॉट ऑल बट ओनली फ्रांस। मैनी मैनोर्स उनकी नैरो बालकनी होती थी अबव अ लार्ज हॉल, जैसे आप हमारे यहाँ पे राजा महाराजा झरोका होता था ना जहाँ से पब्लिक के साथ बात करते थे वो, तो मैनोर्स में नैरो बालकनी होती थी लार्ज हॉल के ऊपर, और पीपल ऑफ द मैनोर गैदर्ड फॉर मील्स, दिस वॉज मिनिस्ट्रल्स गैलरी, जहाँ पे सिंगर जो हैं वो नोबल्स को एंटरटेन करते थे और उनको उन्हें खाना खिलाया जाता था, मतलब एंटरटेनमेंट के उसमें उनको कुछ इनाम दिया जाता था और वो उस मैनोर में वहां पे वो खाना खाते थे। तो आप इसके साइड में ये एक ये हेडिंग लिख सकते हैं अबाउट द, ये शॉर्ट नोट आप लिख सकते हैं इसके बारे में दैट व्हाट इज दिस शॉर्ट नोट अबाउट, अबाउट द मिनिस्टर्स, दैट अबाउट मिनिस्टर्स, और वो भी फ्रांस के मिनिस्टर्स या जो सिंगर्स हैं, सिंगर्स और मिनिस्टर्स। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत शॉर्ट नोट है ये, वेरी शॉर्ट में ये आपको पूछा जा सकता है ये, तो ये आप ये इसको इसके फीचर्स जो हैं वो आप ध्यान रख लीजिएगा। नाउ अबाउट नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ रहे हैं, और ये इसका ये देखिए ये हम बात जो कर रहे हैं ये हम फ्रांस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वी आर ये सभी यूरोप में नहीं था, फ्रांस में फिर आगे स्प्रेड हो गया था ये, एंड ये इनके फीचर्स हैं, ये देखिए ये दीज आर द फीचर्स। नाउ द फर्स्ट क्लर्जी, अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर दैट इज क्लर्जी, मतलब चर्च, कैथोलिक चर्च के अपने लॉस थे, उनके पास जमीनें बहुत थी, बहुत रिच थे, एक राजा और एक ये चर्च, दे ओन लैंड्स गिवन टू इट बाय रूलर्स, और वो उन लैंड पे जो लोग थे उनके ऊपर वो टैक्सेस भी लेवी कर देते थे, बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन थी विच डिड नॉट डिपेंड ऑन किंग अलोन, बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन थी ये, एंड एट द हेड ऑफ द वेस्टर्न चर्च पोप थे, पोप आज भी रोम में जो पोप है चर्च है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चर्च, एंड ये द क्रिश्चियंस इन यूरोप वर गाइडेड बाय बिशप्स, और जो क्रिश्चियंस थे यूरोप में उनको गाइड करते थे बिशप्स एंड क्लेरिक्स,
जो फर्स्ट ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट करते थे। विलेजेस की अपनी चर्च होती थी, लोग संडे को जाते थे, आपको पता है वहां पे सर्मन, जैसे हम लोग शांति पाठ करते हैं वो सर्मन गाते हैं, और इकट्ठे प्रे करते थे। लेट मी जस्ट टेल यू स्टूडेंट्स की सामूहिक प्रार्थना की बहुत इंपॉर्टेंस होती है हर एक धर्म में। आप देखिए, लोग नमाज पढ़ते हैं तो इकट्ठे पढ़ते हैं, मंदिर में जाते हैं तो इकट्ठे जाते हैं, तो एक सामूहिक प्रार्थना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए, हर कोई प्रीस्ट नहीं बन सकता था, सर्व्स को बिल्कुल बैन कर दिया गया था, एंड विमेन कुड नॉट बिकम प्रीस्ट, नाउ हु बिकेम प्रीस्ट कुड नॉट मैरी, क्योंकि ये इनकी आप दैट क्या इनकी चैलेंजेस थी। बिशप्स जो थे दे वर द रिलीजियस नोबिलिटी। अब ये है कि हु कुड नॉट बिकम, ये उसके बारे में है दैट दे वर नॉट अलाउड टू बिकम, एंड लाइक लॉर्ड्स जिनके पास में बहुत बड़ी बड़ी एस्टेट थी, बिशप्स ऑल्सो हैड वास्ट एस्टेट, ग्रैंड पैलेसेस में रहते थे ये, चर्च के पास पीजेंट का टैक्सेस का 1/10 शेयर, जो भी पीजेंट्स प्रोड्यूस करते थे, अगर आपको याद हो 9th में भी पढ़ा था आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में, एंड वो चर्च के पास जाता था 1/10, जिसे हम टिथ कहते हैं। मनी ऑल्सो केम इन द फॉर्म ऑफ एंडोमेंट्स, एंडोमेंट्स मीन्स जो जगह बनाई जाती थी इनके लिए, एंड वेलफेयर ऑफ देयर डिजीज रिलेटिव्स, एंड मेड बाय द रिच फॉर देयर ओन वेलफेयर, और उनके जो डिजीज, इजिप्ट में ममीज होती थी, तो ऐसे हरप्पन सिविलाइजेशन में भी यही होता था स्टूडेंट्स कि ममीज जो है, ये इसी क्लास 11 में ही आपने ये अभी क्लास 12th में पढ़ेंगे आप हिस्ट्री में, कि रिलेटिव जो जिनकी डेथ हो जाती थी उनकी बाद की लाइफ के लिए भी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जितने भी लोग डेथ के बाद हैं उनको लाइफ के बाद कुछ चीजों की जरूरत होती है, तो उनके लिए मनी केम इन द फॉर्म ऑफ एंडोमेंट्स, जो उनके वेलफेयर के लिए थी और जो उनके डिजीज हैं उनके वेलफेयर के लिए थी। तो ये जो पैराग्राफ है इट इज अबाउट द दैट हु कुड बिकम बिशप्स, और ये चर्च के पास व्हाट इज टिथ, ये शॉर्ट नोट में आपको आ सकता है, शॉर्ट नोट में, तो स्टूडेंट्स इसको भी ध्यान रखिएगा। ये हो गया कि हु वर अलाउड टू बिकम द बिशप्स, ये बिशप्स के बारे में हो गया, एंड ये नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ये यहाँ पे, दिस इज अबाउट शॉर्ट नोट अबाउट द टिथ, शॉर्ट नोट क्या, ये वन लाइनर आंसर है ये कि व्हाट इज टिथ एंड व्हाट इज टैली, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सेरेमनीज कंडक्टेड बाय द चर्च। देखिए, जो इम्पोर्टेंट सेरेमनीज जो चर्च कंडक्ट करती थी, कॉपीड फॉर्मल कस्टम्स ऑफ द फ्यूडलाइट, द एक्ट ऑफ नीलिंग वाइल प्रेयरिंग, नीलिंग मतलब जैसे आप देखते हैं ना वो नमाज के लिए झुकते हैं, हम लोग भी सभी जगह झुकते हैं, आप देखिए, नीलिंग बिफोर प्रेयरिंग विद हैंड्स क्लैप्स ऐसे, एंड हेड बाउड लाइक दिस, जैसे मैं आपको एक्शन जितना कर सकती हूँ मैं ऐसे इस तरीके से, व्हाट वाज एन एग्जैक्ट रेप्लिका वे इन विच नाइट कंडक्टेड हिमसेल्फ वाइल टेकिंग वो टू द, आप देखिए भगवान के सामने भी ये लोग ऐसे झुकते थे जैसे अपने लॉर्ड के सामने झुकते थे। तो यूज ऑफ द टर्म लॉर्ड फॉर गॉड वॉज एनदर एग्जाम्पल ऑफ फ्यूडल कल्चर, मतलब गॉड के लिए भी लॉर्ड, इंसानों के लिए भी लॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट सेरेमनीज है, इस पैराग्राफ का आप हेडिंग अगर आप रख लें तो इंपॉर्टेंट सेरेमनीज है ये, कि और वो क्या सेरेमनीज है, वो सेरेमनीज ये है द एक्ट ऑफ नीलिंग, तो गॉड के लिए भी लॉर्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस थी ये जो फ्यूडल कल्चर की उस समय थी। तो स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ आई एम कमिंग टू मॉन्क्स, नाउ हु वर मॉन्क्स, द अपार्ट फ्रॉम चर्च क्रिश्चियन जो हैं इनकी एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन थी, ये डीपली रिलीजियस पीपल थे, ये एक जगह नहीं रहते थे, और एक्चुअली में ये लोग संत थे, मोनेस्ट्रीज थी, ये अपने रिलीजियस प्लेसेस में रहा करते थे। तो अपार्ट फ्रॉम चर्च डिवाउट क्रिश्चियंस इनकी एक अलग से, ये अगर आप कहें तो सोच, ये अगर आपको पता चले तो ये दीज वर द डिवाउट, दे हैड अनदर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोनेस्ट्रीज अभी आएगा जहां पे ये लोग रहते थे, आइसोलेटेड होती थी वो जगह, और ये अलग गांव और उनके टाउन्स वगैरह से अलग होती थी, दे लिव्ड इन रिलीजियस कम्युनिटीज कॉल्ड एबीस और मोनेस्ट्रीज इनको कहा जाता था। तो ये चर्च से डिफरेंट होते थे, प्लीज इनको चर्च के साथ पोप के साथ इनको ये मत वो करिएगा, दे वर बहुत ज्यादा रिलीजियस होते थे, बहुत ज्यादा डिवाइड, मतलब इन लोगों ने जैसे कहते हैं ना संत थे ये लोग रियली। टू ऑफ द मोर जो वेल नोन मोनेस्ट्रीज थी
ये वेल नोन मोनेस्ट्रीज के ये नेम्स हैं, ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये। एंड ये देखिए, ये दीज आर द वेल नोन इटली में, और ये देखिए ये एस्टेब्लिश हुई थी, ये टू वेल नोन मोनेस्ट्रीज के 1 मार्क में आपको ये पूछा जा सकता है, ये 1 मार्क में, ये नाम में दोबारा से आपको अंडरलाइन करके दे रही हूँ ये, सो दैट आप लोगों को ये याद रहेगा। नाउ मॉन्क्स टुक वोज टू रिमेन इन द एबी फॉर द रेस्ट ऑफ देयर, मतलब वो शपथ लेते थे कि वो अपनी जीवन का सारा टाइम वो लग्जूरियस लाइफ नहीं लीड करते थे, किसी के पैसों पे भी नहीं लीड करते थे, भिक्षा मांगते थे, भिक्षा मांग के, जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं ना, तो उन्होंने शपथ ली हुई थी, अपने हाथ से मेहनत करते थे, मैनुअल लेबर करते थे, खेती करते थे वो, बट अनलाइक प्रीस्टहुड दिस लाइफ वॉज ओपन टू बोथ मैन एंड वुमेन, इसमें कोई वो नहीं था भिक्षु और भिक्षुनी, ये बौद्ध गया वगैरह में भी आपने नाम सुना होगा, दैट ऑल एबिसीज वर सिंगल सेक्स कम्युनिटी, दैट इज दे वर सेपरेट, मतलब मेन और वुमेन की रहने की जगह भी अलग होती थी, और ये लोग शादी नहीं करते थे, दे वर नॉट एक्चुअली अलाउड एंड दे वर नॉट इंटरेस्टेड, ये लोग संत हो जाते थे, रियल सेंस में संत हो जाते थे, एंड सेपरेट एबेसी एबे मीन्स रहने की जगह इन लोगों की सेपरेट होती थी, और प्रीस्ट के जैसे एक चीज कॉमन थी, कुछ चीजें देखिए डिफरेंट भी हैं, और ये एक चीज कॉमन है कि दे वर ऑल्सो दे डिड नॉट मैरी, नॉट अलाउड नहीं कहूंगी मैं, दे डिड नॉट मैरी एट ऑल, फ्रॉम स्मॉल कम्युनिटीज ऑफ 10 to 20 मेन एंड वुमेन, मोनेस्ट्रीज जो हैं दे ग्रू टू कम्युनिटीज ऑफन ऑफ सेवरल हंड्रेड विद लार्ज बिल्डिंग, लैंडेड एस्टेट्स, अटैच स्कूल्स और कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, तो मोनेस्ट्रीज जो है ये कम्युनिटीज बन गई थी, एंड वहां पे एबीज हिलगार्ड वाज अ गिफ्टेड म्यूजिशियन जो हु डिड मच टू डेवलप द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी सिंगिंग, एंड ये कम्युनिटी सिंगिंग मतलब इकट्ठे मिलके ये लोग गाते थे ये, एंड फ्रॉम द 13th सेंचुरी सम ग्रुप्स ऑफ मॉन्क्स दे वर कॉल्ड एज फ्रेयर्स, ये मोनेस्ट्री में नहीं रहते थे बट ये एक अपनी भिक्षा के लिए, जैसे बौद्ध गया में आपने बुद्धिस्ट के बारे में पढ़ा है, एक जगह से दूसरी जगह ये लोग ये मूव किया करते थे, ये इनकी क्वालिटी थी ये अलग से। सो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये एक ये मॉन्क की ये फोटोग्राफ है, ये अ बैंडिट मॉन्क वर्किंग ऑन अ मैन्युस्क्रिप्ट, ये देखिए ही इज वर्किंग ऑन अ मैन्युस्क्रिप्ट, एक बिल्कुल आइसोलेटेड जगह पर ये लोग रहा करते थे। बाय द 14th सेंचुरी देयर वॉज अ ग्रोइंग अनसर्टेनिटी की वैल्यू ऑफ मोनेस्टिज्म इन इंग्लैंड, एंड ये कॉन्ट्रास्टेड द ईज एंड लग्जरी ऑफ लाइफ ऑफ सम मॉन्क, मतलब कुछ देखिए हर जगह देखिए एक्सेप्शन होते हैं, इधर हम कह रहे हैं कि वो लग्जूरियस लाइफ नहीं लीड करते थे, पर कुछ ऐसे मॉन्क थे जिनकी लाइफ के बारे में पता चला कि वो किसने किस तरीके से कॉन्ट्रास्टेड द ईज एंड लग्जरी ऑफ लाइफ ऑफ सम मॉन्क्स विद द प्योर फेथ ऑफ सिंपल प्लाउमैन, मतलब कहने को ये सिंपल प्लाउमैन थे लेकिन लग्जूरियस लाइफ लीड कर रहे थे, और उनके बारे में कुछ कॉमिक पोर्ट्रेट्स भी बनी थी, मतलब लोग कार्टून टाइप जो है वो उनके बारे में बनाते थे और उनके बारे में ये लिखा जाता था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द चर्च एंड द सोसाइटी, नाउ द चर्च एंड द सोसाइटी, दो यूरोपियंस बिकेम क्रिश्चियंस दे स्टिल हेल्ड टू कि उनकी अपनी एक ओल्ड बिलीफ थी इन मैजिक एंड फोक ट्रेडिशंस, आप देखिए फोक ट्रेडिशंस हर एक धर्म के होते हैं, क्रिसमस बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी, जीसस क्राइस्ट का बर्थडे 25th डिसंबर रिप्लेस्ड ओल्ड प्री रोमन फेस्टिवल, द डेट जो सोलर कैलेंडर में कैलकुलेट होती थी जिसके बीसी एंड एडी आफ्टर द डेथ एंड बिफोर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, ईस्टर मार्क द क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट एंड इज राइजिंग फ्रॉम द डेथ, मतलब ईस्टर ये, बट इट्स डेट वॉज नॉट फिक्स बिकॉज ये ऑर्डर जो है ये चेंज होता रहता था क्योंकि डेट फिक्स नहीं करी थी, ये ल्यूनर कैलेंडर का बेस था ये। ट्रेडिशनली ऑन दैट डे पीपल ऑफ ईच विलेज यूज टू मेक अ टूर ऑफ देयर विलेज, वो लोग क्या करते थे अपने विलेजेस का टूर लगाते थे, क्रिश्चियनिटी के आने से वो ये काम कर रहे थे, बट दे कॉल्ड द विलेज द पैरिश, मतलब पैरिश मतलब वो एरिया वो गांव जो उस समय प्रीस्ट के अंडर था, ओवरवर्क पीजेंट जो हैं दे वेलकम्ड होली डेज, जो हॉलीडे वर्ड बना है एक्चुअली में उसका मतलब है वो हॉलीडे जिस दिन जीसस क्राइस्ट या ऐसी प्रेयर का दिन, दीज डेज वन मेन मतलब ये हॉलीडे हमने
ओरिजिन जो है इसका होली डे से है कि वो दिन जिस दिन सब प्रेयर करते हैं। दीज डेज वर मेंट फॉर, ये होली डेज उस समय, दीज डेज वर मेंट फॉर प्रेयर, फन एंड फीस्टिंग, इंजॉय करना और प्रेयर करना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो उनका प्रेयर था। पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा, वॉज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। आप देखिए सब धर्मों में है ये सब चीजें, सब धर्मों में हम बेकार में आपस में लड़ते हैं। ऑल फेथ्स हैव द सेम थिंग। पिलग्रिमेज वॉज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ एंड मेनी पीपल वेंट ऑन लॉन्ग जर्नीज टू श्राइन्स ऑफ मार्टियर्स और टू बिग चर्चेस। वो लोग अलग अलग श्राइन्स पे जाते थे, मार्टियर्स और टू बिग चर्चेस, वहां पे वो लोग जाया करते थे और अपनी मतलब श्रद्धा से पूजा करते थे। सो स्टूडेंट्स, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। ये थर्ड ऑर्डर मैं अपने नेक्स्ट उसमें और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी लास्ट क्लास का भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एंड आई एम यू न्यू टू यूट्यूब, सो प्लीज लेट जस्ट हेल्प मी टू ग्रो माई चैनल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।